हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 19th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ 3060 सेट स्क्वायर हैज इट्स शॉर्टेस्ट एज 40 mm लॉन्ग इन VP, इट्स सरफेस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन टू VP सच दैट इट्स फ्रंट व्यू अपियर्स एज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ड्रॉ इट्स थ्री व्यूज एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद VP। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में प्लेन का क्या पोजिशन दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो प्लेन दिया है वो है 3060 सेट स्क्वायर। दो टाइप के सेट स्क्वायर आते हैं, पहला आता है 45-45 सेट स्क्वायर और दूसरा आता है 3060 सेट स्क्वायर। देखो ये आपको कुछ यहां पे रफ में बताना चाहेंगे, 45-45 सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड के एंगल जो है वो 45-45 डिग्री के होते हैं। देखो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और यहां पे 90 का एंगल होता है, ठीक है। तो ये एक आता है और जो दूसरा सेट स्क्वायर है ये कुछ ऐसा आता है, 3060 सेट स्क्वायर उसको कहते हैं। उसमें एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के सेट स्क्वायर आते हैं। देखो ये दोनों सेट स्क्वायर हमारे पास है, देखो ये जो सेट स्क्वायर है ये 45-45 सेट स्क्वायर है जो हमने यहाँ बताया है और ये जो है ये है दैट इज 3060 सेट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में 3060 सेट स्क्वायर की बात की है, इसका मतलब हमें ये सेट स्क्वायर का यूज करके सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। तो 3060 सेट स्क्वायर की स्पेशलिटी ये होती है कि एक एंगल 30 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे तीन साइड है और तीनों साइड का लेंथ जो है वो अलग अलग होता है और यहाँ पे शॉर्टर साइड कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये है शॉर्टर साइड। यहाँ पे हम शॉर्टर साइड इसलिए बता रहे क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन है, और 3060 सेट स्क्वायर हैज इट्स शॉर्टर एज 40 mm लॉन्ग इन VP। देखो यहां पे शॉर्टर एज दिया है, कितना दिया है, ये शॉर्टर एज 40 mm दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये शॉर्टर एज इन VP है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां है, इन VP। तो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको ट्रूशिप ऑफ प्लेन ड्रॉ करना होता है। तो यहां पे ट्रूशिप ऑफ प्लेन क्या बनेगा, तो यहां पे ट्रूशिप ऑफ प्लेन ये 3060 सेट स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, लेकिन ये ट्रूशिप ड्रॉ कहां पे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब XY लाइन के ऊपर या नीचे, यानी VP में या HP में, तो ये आपको सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये कंफर्म करना काफी सिंपल है, देखो क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टर साइड इन VP, अगर शॉर्टर साइड इन VP लिखा है इसका मतलब हमें ट्रूशिप ऑफ प्लेन भी VP में ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मींस XY लाइन के ऊपर। तो चलो XY लाइन के ऊपर हम यहां पे ट्रूशिप ऑफ प्लेन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये 3060 सेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्या ये ऐसा ही ड्रॉ करना है या इसमें थोड़ा चेंज करना है, चेंज का मतलब ये है कि आपके पास देखो चार ऑप्शंस आएंगे, या तो आप ऐसा ड्रॉ करो सेट स्क्वायर, या तो आप इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी यहां बता देते हैं, देखो ऑप्शन नंबर 3 ये है, चाहे तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये चार पोजीशन रहेंगे, चार में से कौन सा पोजीशन पे आपको ड्रॉ करना है, तो जाहिर सी बात है हम ये पोजीशन या ये पोजीशन ड्रॉ नहीं करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो ये पोजीशन ड्रॉ करो या तो ये पोजीशन ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पोजीशन करेक्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टर साइड इन VP, तो जाहिर सी बात है जो साइड इन VP रखना है वो साइड आपको पहले परपेंडिकुलर टू XY लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये देखो अगर आप शॉर्टर साइड इन VP रखना चाहते हैं तो ये है वो शॉर्टर साइड जो हमें VP में यहां पे रखना है, तो ये शॉर्टर साइड हम यहां पे परपेंडिकुलर टू XY लेके ड्रॉ करना शुरू करेंगे। देखो ऐसा वाला वो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टर साइड परपेंडिकुलर, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं या ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल हम यहां XY लाइन के ऊपर ट्रूशिप ऑफ प्लेन बनाएंगे और हम ये ड्रॉ करेंगे, ये सेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहां रेफरेंस लाइन इट मींस XY लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहां रेफरेंस लाइन पे लेफ्ट साइड में यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और ये पॉइंट पे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर हम ये पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे और यहां पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY। परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे हमें जो शॉर्टर साइड है वो यहां पे हमें ले लेना है। तो चलो शॉर्टर साइड अब हम यहां ड्रॉ करेंगे। शॉर्टर साइड क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 mm का दिया है, ठीक है, तो 40 mm है शॉर्टर साइड। तो ये देखिए हम 40 mm का शॉर्टर साइड यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिए,
ठीक है, एक्स वाई लाइन से कितना भी ऊपर ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक काम करेंगे, ये जो नीचे का कॉर्नर है यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सिर्फ एक ही साइड दिया है, दूसरा साइड दिया नहीं है, दूसरा या तीसरा, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड होती है, तो यहां पे सिर्फ एक ही साइड का लेंथ दिया है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन को एक्जैक्टली पैरेलल यहां पे ये कॉर्नर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और हमें इतना तो पता है कि ये 30-60 सेट स्क्वायर है, तो ऐसे में एक एंगल 30 का होगा, दूसरा एंगल 60 का होगा, तो यहां पे ये हमने 90 डिग्री का एंगल यहां पे ले लिया है, ठीक है। और एक काम करेंगे, यहां से अब 60 डिग्री का एंगल लेंगे, लेकिन प्रोटेक्टर आपको किस तरह से रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्टर आपको ऐसा यहां पे रखना है, देखो ऐसा खड़ा रखना है, ठीक है, ऊपर के कॉर्नर पे, और यहां पे आपको इधर से एंगल काउंट करना है 60 डिग्री का। तो ये देखिए हम यहां पे इस तरह से एंगल काउंट कर रहे हैं, ये हमने एंगल ले लिया है, हमने यहां नीचे से इस तरह से एंगल लिया है, ये देखो हमने यहां पे एरो भी दे दिया है आपको समझाने के लिए। और अब यहां पे हमने 60 डिग्री का एंगल तो ले लिए, तो अब क्या करना है, यहां पे 60 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां पे कट जाएगा वहां पे हमारा ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहां पे मिल चुका है और ये ट्रायंगल यहां पे बनके तैयार है। तो ये हमने 30-60 सेट स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर लिए, और यहां पे अब हमें नेमिंग दे देना है। तो नेमिंग क्या देना है, ये चॉइस आपका है, ए बी सी या पी क्यू आर जो भी है। तो यहां पे हम नेमिंग दे देंगे ए डैश, ये है बी डैश और ये है सी डैश, ठीक है। और यहां पे डैश रहेगा, डैश देना कंपलसरी है क्योंकि ये फ्रंट व्यू में हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है। और यहां पे हम जो एंगल है वो भी हम यहां पे शो कर लेंगे, ये 30 डिग्री का एंगल रहेगा और ये 60 डिग्री का एंगल, ये एरो हम यहां पे अभी मिटा देते हैं। तो ये देखिए ये हमने 60 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का एंगल शो किया है, और ये 30-60 सेट स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हमने क्या ड्रॉ किए, हमने ये ट्रू शेप ऑफ प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लेन का हाइट है, इसका मतलब जो शॉर्टर जो साइड है उसका लेंथ भी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये ट्रू शेप ऑफ प्लेन तो हमने ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, देखो क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये पढ़े थे कि शॉर्टर साइड इन वीपी, और इतना पढ़ के सिर्फ हमने ट्रू शेप ड्रॉ किए, हमने आगे कुछ नहीं पढ़े थे। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम बनाते समय पहले आपको ट्रू शेप ऑफ प्लेन ही ड्रॉ करना होता है, तो ट्रू शेप ऑफ प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने बना लिए, अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो है वो काफी आसान जाएगा। अब इसके बाद हमें सबसे पहले ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, तो ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये यहां पे ये ट्रू शेप जो है वो उसके सभी पॉइंट्स वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और नीचे जो है वो ट्रू लेंथ बनेगा। लेकिन ट्रू लेंथ ड्रॉ कहां पे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपको ट्रू लेंथ इन एक्स वाई ड्रॉ करना पड़ेगा या पैरेलल टू एक्स वाई। तो यहां पे जो है हम ट्रू लेंथ जो है वो इन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन एक्स वाई ड्रॉ क्यों करेंगे, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टर साइड इन वीपी। अगर शॉर्टर साइड इन वीपी है तो ऐसे में ट्रू लेंथ भी इन एक्स वाई ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो ये जो इन एक्स वाई ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर लिए, ठीक है। ये ए और बी का प्रोजेक्टर आ रहा है, तो यहां पे ये हो जाएगा दैट इज ए स्लैश बी, हम इसको ऐसा दे देंगे, ठीक है। और ये सी का प्रोजेक्टर यहां पे हम इसको दे देंगे दैट इज सी, ओके। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिए, ये हमने ट्रू लेंथ यहां पे ड्रॉ कर लिए, ये हमने यहां लिख लिए टी एल। एग्जाम में ड्रॉ करते समय ऐसा आपको टी एस या टी एल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको हमने समझाने के लिए यहां पे लिखा है, टी एस माने ट्रू शेप, टी एल माने ट्रू लेंथ। और अब हमें क्या करना है, ये ट्रू लेंथ को यहां इंक्लाइन करना है, ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना यानी ही सरफेस को इंक्लाइन करना। तो क्वेश्चन में सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल दिया है क्या, चेक करो। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। देखो परपेंडिकुलर टू एचपी इंक्लाइन टू वीपी दिया है, लेकिन कितना डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है यह क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो इंक्लाइन टू वीपी करना है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ट्रू लेंथ को हमें यहां इंक्लाइन करना है। यहां पे इंक्लाइन करना यानी हमें वीपी के साथ इंक्लिनेशन एंगल लेके यहां पे इंक्लिनेशन एंगल शो करना होता है, लेकिन एंगल दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में एंगल दिया नहीं है। लेकिन यहां पे इंक्लाइन करने के बाद जब हम यहां से प्रोजेक्टर्स जब ऊपर ले यहां पे ले जाएंगे, तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे फ्रंट व्यू बनता है, यहां पे फ्रंट व्यू बनता है, ये कंफर्म है। तो यहां पे क्या ड्रॉ होने वाला है, ये क्वेश्चन में दिया है। यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन में ये दिया है कि देखो क्वेश्चन में लिखा है सच दैट इट्स फ्रंट व्यू अपीयर्स एज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में आइसोस्केलस ट्रायंगल आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ये सरफेस को हमें यहां इंक्लाइन करना है, सरफेस को इस तरह से इंक्लाइन करो कि फ्रंट व्यू में आइसोस्केलस ट्रायंगल आए। तो हम एक काम करेंगे, अब यहां पे इंक्लिनेशन एंगल तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहां पे आइसोस्केलस ट्रायंगल आने वाला है ये पता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसका यूज करके यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रू शेप के सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल यहां पे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। देखो ट्रू शेप के पॉइंट्स ये हमारे पास है, और पैरेलल टू एक्स वाई हम क्या करेंगे,
ट्रू शेप के पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ये देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एक अभी प्रोजेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। और फिर यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। और फ्रंट व्यू में क्या ड्रॉ करना है, हमें यहां पे आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पे हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एक काम करेंगे, इतना तो कंफर्म है कि ये जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर पे हमें ए, यहां पे ए डैश, ये देखो यहां पे ए डैश है, तो ये ए डैश का प्रोजेक्टर है। तो यहां पे कहीं पे भी फिर से ए डैश आएगा, और ये बी डैश और सी डैश का प्रोजेक्टर ये है, तो यहां पे कहीं ना कहीं बी डैश सी डैश आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दो प्रोजेक्टर के बीच में का ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि ए डैश बी डैश का लेंथ यहां पे जो 40 mm है, जो यहां पे 40 mm है, आगे यहां फ्रंट व्यू में भी वो 40 mm ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल हमें जो ड्रॉ करना है उसमें जो दोनों साइड सेम होगी वो दोनों साइड 40 mm की होगी, ये कंफर्म है। तो चलो हम एक काम करेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 40 mm साइड का। तो क्या करो, ये एबी साइड को एग्जैक्टली पैरेलल यहां पे एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो यहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये 40 mm का है, ठीक है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का एक साइड है, हम यहां पे नेमिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो ये ए डैश है तो यहां पे हम नया नाम दे देंगे ए वन डैश, और ये बी डैश है तो हम यहां पे नया नाम दे देंगे दैट इज बी वन डैश, ठीक है। नेमिंग थोड़ा सा हमने यहां पे चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहां पे ए वन डैश, यहां बी वन डैश, अब इधर कहीं ना कहीं सी वन डैश आएगा। तो सी वन डैश कहां आएगा, तो उसके लिए आपको कॉम्पोस का यूज करना है, और कॉम्पोस का यूज करके यहां पर 40 mm का लेंथ कॉम्पोस में ले लेना है, और यहां पे बी डैश और सी डैश ये भी आपको 40 mm यहां पे शो करना है, क्योंकि हमने कहा था ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड सेम होगी। तो ये हमने कॉम्पोस में 40 mm का लेंथ ले लिया है, कॉम्पोस का सेंटर यहां पे रखो, और ये देखिए यहां पे सी डैश के लिए यहां पे कट करो। ये देखो हमने 40 mm का लेंथ कट कर लिए, तो जो हमें पॉइंट मिल चुका है, ये कौन सा पॉइंट मिला, ये हमें पॉइंट मिला है, हम इसको नाम देंगे सी वन डैश, नया नाम दे दे। और अब इसको हम यहां पे ज्वाइन करके ट्रायंगल यहां पे कंप्लीट कर लेंगे, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये देखिए हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल यहां कंप्लीट कर लिया है, और ये फ्रंट व्यू है इसलिए इसके अंदर हमने लिखा है एफ वी, इट मीन्स इट इज अ फ्रंट व्यू। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि सरफेस इज इंक्लाइंड टू वीपी, सरफेस वीपी में इंक्लाइन है, इस तरह से इंक्लाइन है कि फ्रंट व्यू में आइसोस्केलस ट्रायंगल आएगा। तो ये देखो फ्रंट व्यू में आइसोस्केलस ट्रायंगल आ चुका है, और अब यही फ्रंट व्यू का यूज करके हम यहां पे क्या करेंगे, सरफेस इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये ट्रू लेंथ का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है, बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है, ये काफी सिंपल है। उसके लिए क्या करो, फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो। तो ये देखो फ्रंट व्यू के पॉइंट्स हम यहां पे नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने ए वन डैश बी वन डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए, और बिल्कुल उसी को पैरेलल हम यहां पे सी वन डैश को भी वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सी वन डैश को भी यहां नीचे प्रोजेक्ट कर लिए, और अब यहां पे हमें ट्रू लेंथ का सरफेस इंक्लिनेशन एंगल मिल जाएगा। तो उसके लिए ये जो पॉइंट है ए बी, तो वो हम यहां पे ले लेंगे। तो ये हमने यहां ले लिया है ए स्लैश बी, और अब यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ का आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ का लेंथ कॉम्पोस में ले लेना है, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि यहां ए और बी आ चुका है, और यहां पे कहीं ना कहीं सी आएगा। तो ये कहां आएगा, तो ये ट्रू लेंथ का लेंथ कॉम्पोस में ले लो। तो ये देखो कॉम्पोस में हमने ये ट्रू लेंथ का लेंथ ले लिए, ठीक है। और अब कॉम्पोस का जो सेंटर है वो आपको यहां ए बी पे यहां पे पुट करना है, और जो सी का प्रोजेक्टर है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखो हमने सी के प्रोजेक्टर पे वहां पे कट कर लिया है, और वहां पे जो पॉइंट मिल चुका है ये हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल चुका है, हम इसको नाम दे देंगे दैट इज अगेन सी, और उसको हम ए बी से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल ये कंफर्म हो जाएगा। तो देखो हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और ये सरफेस इंक्लिनेशन एंगल कितना रहेगा वो आपको प्रोटेक्टर से चेक करना पड़ेगा, एंगल मेजर करना पड़ेगा, और एंगल मेजर करके जो भी उसका रिजल्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट में। तो ये देखो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए, ये एंगल को हम कहेंगे एंगल फाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आपको लिख लेना है, एग्जाम में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको जो है रिजल्ट यहां पे लिखना होता है, उसमें आपको जो एंगल फाई मिला है वो आपको कितना डिग्री है वो आपको यहां मेंशन करना होता है इस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे दो व्यूज हमने यहां ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू,
ठीक है, ये फ्रंट व्यू में यहां पे आइसोस्केलस ट्रायंगल और टॉप व्यू में यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द थ्री व्यूज, हमें यहां पे थ्री व्यूज ड्रॉ करना है, इसका मतलब अब हमें साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। तो चलो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का यूज करेंगे और साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो रेफरेंस लाइन है एक्स वाई लाइन उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइड व्यू इधर आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू का यूज करके ड्रॉ करना होता है, तो ये हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। और अब यहां पे क्या करेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई लाइन के ऊपर, हमने एक पॉइंट ले लिए और अब प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का आपको एक्सिस ड्रॉ करना होता है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये देखिए एक्स वाई के ऊपर एक्जैक्टली परपेंडिकुलर हम यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं और ये एक्सिस को हम कहेंगे दैट इज एक्स वन वाई वन एक्सिस, और यही एक्सिस का यूज करके हम यहां पर साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलो हम ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं, काफी सिंपल है ये, इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे जहां पे साइड व्यू ड्रॉ किए थे, तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का यूज करके ही ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए हम इसको नाम दे देंगे ये एक्सिस को दैट इज एक्स वन वाई वन एक्सिस, ठीक है, ये एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है। और अब साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स है उनको यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट व्यू के पॉइंट सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली यहां पे प्रोजेक्ट करना है और फिर जो टॉप व्यू के पॉइंट्स है वो आपको यहां से रोटेट करके वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो चलो वो हम यहां प्रोजेक्ट करेंगे और साइड व्यू के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये देखिए साइड व्यू के लिए कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और अब हमें यहां पे साइड व्यू मिल जाएगा, उसके लिए हमें पहले पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ए का प्रोजेक्टर, ठीक है, और यहां पे ये नीचे से ए का प्रोजेक्टर कहां पे आ रहा है, तो देखिए ये जो ए है ये एक्सिस के ऊपर है, तो ये एक्सिस टू एक्सिस जाएगा ऐसे, तो यहां पर हमें पॉइंट मिल जाएगा साइड व्यू का पहला पॉइंट ए डबल डैश, ठीक है। देन ये बी का प्रोजेक्टर ये है, ठीक है, और यहां पर ये जो बी है ये एक्सिस के ऊपर है तो एक्सिस टू एक्सिस जाएगा, तो यहां पर ये हमें मिल जाएगा बी डबल डैश साइड व्यू का सेकंड पॉइंट। देन ये है सी का प्रोजेक्टर और यहां पे ये सी का प्रोजेक्टर ऐसे रोटेट करके यहां तक आ रहा है, तो ये हो गया सी डबल डैश, ठीक है। बस ये ए बी सी जो तीनों जो हमें वहां पे मिले हैं उनको बस हमें ज्वाइन करना है, तो ये साइड व्यू यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने साइड व्यू यहां पे ड्रॉ कर लिया है, इसके अंदर हमने लिख लिया है एस वी, इट मीन्स इट इज अ साइड व्यू। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये उसका पूरा सोल्यूशन बनेगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन है जिसमें लिखा था शॉर्टर साइड 3060 सेट स्क्वायर हैज शॉर्टर साइड इन वीपी। तो ये देखिए 3060 सेट स्क्वायर का जो शॉर्टर साइड है ए बी वो इन वीपी है, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी है और इस तरह से इंक्लाइन है कि फ्रंट व्यू इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है और साइड व्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 19। इसके पहले जो हमने इसके 18 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।